नमस्कार दोस्तों, ड्रोपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अपने व्यू में फ़िल्टरिंग का यूज़ किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग व्यू में फील्ड कैसे और ऐड करते हैं वो सीखेंगे। तो फील्ड से रिलेटेड, जैसे हमने इसमें कंटेंट टाइप ब्लॉग फिल्टर में यूज़ किया था, तो हम लोग स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे। कंटेंट टाइप फॉर ब्लॉग मैनेज फील्ड, तो इसमें हमारे पास जो फील्ड्स अवेलेबल हैं वो बॉडी है, ब्लॉग की इमेज है, यूआरएल पाथ सेटिंग, तो और भी कई इंटरनल फील्ड्स हैं जैसे कि पोस्ट डेट या नोड आईडी, जो भी आप अपने उसमें व्यू में आप अपने कंटेंट में आप शो कराना चाहते हैं वो आप व्यू के थ्रू लोड करा सकते हैं। आइए यहाँ से व्यू के पैनल पे चलते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कंटेंट टाइप ब्लॉक फेच कराया हुआ है, फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे फील्ड है और यहाँ पर केवल टाइटल ही फेच हो रहा है एक ब्लॉक का, तो टाइटल आ रहा है। हम कुछ और फील्ड्स ऐड करते हैं इसमें, जैसे बॉडी की, उसकी बॉडी में क्या है, कंटेंट जो हमें फेच कराना है। इस समय इसकी ज़रूरत नहीं है लेबल की, तो हम लेबल को अनचेक कर देंगे। दोस्तों, बस ये जैसे फील्ड होती है लेबल और उसमें क्या है, ये बस उसी के लिए है, तो इसको हम अनचेक कर देंगे। और फॉर्मेटर में हम ट्रिम करेंगे, समरी ट्रिम, समरी एंड ट्रिम दोनों कर देंगे। जैसे ये इस पर्पज़ से है कि किसी आर्टिकल या जैसे कि ब्लॉग है हमारे पास, तो उसकी बॉडी में हो सकता है जो 300 से ज़्यादा वर्ड्स हों या 600 से, कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं जितने आप डालें। तो अगर आप चाहते हैं कि केवल कुछ ही वर्ड्स, मतलब 100 ही वर्ड्स आपके केवल फेच करेक्टर्स फैच होके आएंगे, तो ये ट्रिम का आप लिमिट यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये कुछ स्टाइल सेटिंग्स है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये बिहेवियर अगर आपके फील्ड्स में कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो किस टाइप का आपको यहाँ शो कराना है वो है, हम डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी बॉडी आ गई, और बॉडी में जो कंटेंट था वो शो हो रहा है। कुछ और फील्ड्स लेके चलते हैं यहाँ पर, पोस्ट डेट, दोस्तों इसमें लेबल लगे रहने देते हैं क्योंकि पता चलेगा कि हाँ किस डेट क्या है, किस टाइप की है, पोस्ट डेट है, डेट किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। वो सेलेक्ट कर लीजिए आप जैसा चाहते हैं, टाइम जोन अगर आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट रखते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देखिए पोस्ट डेट आ गई कि ये आर्टिकल या ब्लॉग या कंटेंट आपका किस डेट में ये पब्लिश हुआ था या ऐड हुआ था, तो ये उसकी लिस्टिंग आ गई। तो ये था दोस्तों कि अपने व्यू में हम अपनी फील्ड्स कैसे ऐड करें। आप किसी भी टाइप की जो आपके कंटेंट टाइप में जो फील्ड्स होंगी वो आप लोड करा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये कंटेंट का टाइटल हो गया, ये उसकी बॉडी हो गई, और ये उसकी पोस्ट डेट हो गई। हम बस ब्लॉक्स में अपने पास दो कंटेंट थे। अगर आप यहाँ से फाइंड करेंगे इसको, ब्लॉक्स फिल्टर, देखिए दो आर्ट इसमें ब्लॉक्स ऐड हुए हैं और ये पब्लिश हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस व्यू में अपने हम फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी अगर आप इमेज
अगर आपको कुछ बड़े पैनल पे, या फिर जैसे हमने एग्जांपल में कुछ वेबसाइट्स बताई थी कि उसमें आर्टिकल्स के टाइटल और इमेज फेच कराए, तो वो तो आपको अगर यहाँ अगर ब्लॉग की इमेज भी लोड करानी है तो आप व्यू में जाके उसको मैनेज फील्ड में, सॉरी व्यू में जाके फील्ड में आप उस इमेज को भी ऐड कर देंगे। एग्जांपल के लिए अगर हम करें तो ये रहा कंटेंट और ब्लॉग की इमेज, सेव, लेबल नहीं चाहिए हमें, ये फॉर्मेटर इमेज रहेगा, ओरिजिनल इमेज चाहिए, ओरिजिनल इमेज बोले जो आप अपलोड करेंगे वो साइज़ लेगा उसका, थंबनेल में चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, साइड बार में है लिंक इमेज टू, अगर आप यहाँ पर कंटेंट में जैसे इमेज पे कोई क्लिक करता है तो आप वो फंक्शनलिटी यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं, कंटेंट पे चला जाएगा जो उसका जान जो उसका पेज रहेगा। ये देखिए इमेज भी लोड हो गई, सेव करा दीजिए, ये देखिए इमेज भी आ गई। तो ये व्यू की लिस्टिंग है, आप आपके कंटेंट टाइप में जिस टाइप की भी फील्ड हो आप लोड करा सकते हैं उसमें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।